तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? क्रिस्ट में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फिल्मों में हमने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए जिसमें उसके सर पर गहरी चोट लगे या वह सदमे में आ जाए या कोई अप्रिय घटना उसके जीवन में घटित हो तो वह अपनी याददाश्त खो बैठता है। वह अपना स्वयं का नाम नहीं जानता। वह कहां से आया है, कौन है? लोग उसके आमने सामने चलते हैं, वह उन्हें देख सकता है लेकिन पहचान नहीं पाता। और आगे फिल्मों में बताया जाता है कि अगर इस व्यक्ति के जीवन में फिर एक बार वही अप्रिय घटना घटित हो जाए, वही एक्सीडेंट फिर से हो जाए, तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमारा क्रिस्त जीवन आज के युग में ऐसा नहीं है? क्या हम हमारे धार्मिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन में इस तरीके का बर्ताव नहीं देख रहे हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है और जानती है और मैं भी उन्हें जानता हूँ। क्या हम सचमुच में प्रभु को जानते हैं? ये एक प्रश्न आज हम सबों के लिए है। आज संसार जैसे जैसे उन्नति करते जा रहा है, विज्ञान में जैसे जैसे विकास होते जा रहे हैं, वैसे ही हमारा जीवन बड़े ही आरामदायक तरीके से चल रहा है। आज हमारे पास चुनाव की इतने सारी चीज़ें हैं कि हम जिनसे संतुष्ट होते हैं उसी में खुश रहकर रह जाते हैं। लेकिन क्या हम कभी ईश्वर में आनंद मनाते हैं? क्या हमारी कभी संतुष्टि ईश्वर में होती है, प्रार्थना में होती है या विश्वास में आगे बढ़ने के लिए होती है? अगर नहीं तो ज़रूर संसार हम पर प्रहार कर चुका है, वो हमारे दिमाग को पूर्ण रूप से नष्ट कर रहा है। क्या मैं इस प्रहार से बचना चाहता हूँ? अगर मैं इस प्रहार से बचना चाहता हूँ तो मुझे उन चमत्कारों पर, उन चिन्हों पर, उन ईश्वर के दिखाए हुए दर्शनों पर विश्वास करना ज़रूरी है। और विश्वास करना ही नहीं, उस विश्वास को अपने जीवन में ग्रहण कर उनके अनुसार अपने विश्वास को मजबूत बनाना बहुत अनिवार्य है। तब कहीं जाकर मैं ईश्वर में फिर एक बार मिल पाऊंगा। इसलिए उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद करो। क्या ये सच नहीं कि जब हम तंदुरुस्त होते हैं, मदमस्त होते हैं, जवान होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी आराम से बिताते हैं। हमें अगर बोला जाए कि गिरजा जाओ, प्रार्थना करो, बाइबल का पठन करो, विश्वास में मजबूत बनो, गिरजा के कार्यों में मदद करो, तो कितने सारे हम बच्चे या भाई बहन आगे आकर इन सारे धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। क्योंकि यही धार्मिक कार्य है जो हमें बार बार याद दिलाएंगे कि हमारे जीवन में ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर प्रमुख व्यक्ति है। और इसी के ज़रिए हम ईश्वर की आवाज़ को जानकर उसके साथ अपना जीवन बिता पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को फिर से एक बार जांच कर देखें। आज के सुसमाचार में प्रभु शिष्यों से प्रश्न पूछते हैं, तुम तो मेरे साथ रहते हो, तुमने तो मुझे देखा है, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? लोग कई सारी बातें कहेंगे, लेकिन आज तुम व्यक्तिगत रूप से बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। और पेतरुस शिष्यों के आधार से लेकर बोलते हैं कि आप ईश्वर के मसीह हैं, ईश्वर के मसीह हैं, और हम आप पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही आज हम सबों की ज़िंदगी की ज़रूरत है। आज हम ईश्वर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कतई दूर नहीं हुआ है। ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 49 में प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे नामों को अपनी हथेलियों में अंकित किया है, और हथेलियाँ हमेशा आँखों के सामने होती है। तो इसका मतलब ईश्वर की याद से हम कभी दूर नहीं हो सकते, हमेशा हम उसकी आँखों के सामने हैं। लेकिन क्या मैं अपने ईश्वर को अपनी आँखों के सामने रखता हूँ? क्या मैं ईश्वर को हमेशा अपने जीवन में पाता हूँ? अगर नहीं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम ये प्रयास करें कि उन चिन्ह और चमत्कार जो हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं, लोगों के मुख से सुनते हैं,
उन पर विश्वास करें और जो भी अपने जीवन का अनुभव वे बताते हैं उन अनुभवों को अपने जीवन में भी पाने का प्रयास करें। आज हम संत पादरी पियो का पर्व मनाते हैं, जो एक महान संत थे जिन्होंने ईश्वर के घावों को अपने जीवन में महसूस किया, उन्हें वरदान दिया गया। आज हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि जो विश्वास उन्होंने सिखाया और अपने जीवन में स्वयं महसूस किया, हम भी उसी विश्वास को अनुभव करें और अपने जीवन में ईश्वर को अपने आँखों के सामने या अपने जीवन में पूर्ण रूप से पाएँ और अनुभव करें, ताकि हम ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों का इस्तेमाल कर इस संसार में ईश्वर के राज्य के प्रचार में अपना योगदान दें। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन।